हिंद, वंदे मातरम साथियों। दुखद खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव रामखेड़ी से आ रहे हैं। रामखेड़ी के एसएसबी के जवान अनुज कुमार वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वे वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि एसएसबी के 51वीं बटालियन के जवान अनुज कुमार श्रीनगर में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कल इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव रामखेड़ी लाया जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि वे वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात थे और बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से शहीद परिजनों को इनके निधन को लेकर गुमराह किया जा रहा है। वहीं इसी बात को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने बताया कि कल वे शहीद के पार्थिव को अगर सम्मान नहीं मिला तो वे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। मां भारती के लाल का पार्थिव शरीर कल सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई भी दी जाएगी। 51वीं बटालियन के जवान शहीद अनुज कुमार वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वहीं शहादत की सूचना के बाद से शहीद परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, तो देश प्रदेश में शोक की लहर छाई हुई है। मां भारती के लाल ने अपना सर्वस्व न्याछावर मां भारती की सेवा करते हुए किया है। अपर समाचार यूट्यूब चैनल की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके इस अदम्य साहस को नमन करते हैं। शहादत की सूचना के बाद से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएँ प्रकट की हैं। मां भारती के लाल वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात थे और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव रामखेड़ी के रहने वाले थे। वे वर्तमान में एसएसबी के 51वीं बटालियन के जवान थे और मां भारती की सेवा जम्मू कश्मीर में कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। अपर समाचार यूट्यूब चैनल की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके अदम्य साहस को नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।